अवसर की समानता और को प्राप्त करने के लिए और उसमें व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने के लिए, तो आपने देश की एकता अखंडता का अक्षुण रखी, आपने गरिमा देश की गरिमा तो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने के लिए तो कहाँ अक्षुण रखी आपने, जो हमारा संविधान है वो कहता है धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष कह रहा आपने मुस्लिमों को बार किया और किसी को नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपने मुस्लिमों को बार, क्योंकि नियत आपकी ये है, आपकी राजनीति सारी हिंदू मुस्लिम चलती है। दूसरा, जो आपने देश की एकता का, आप देख रहे हैं क्या हाल है, नॉर्थ ईस्ट पूरा जला है, तो देश को आपने जो दंगे की आग में झोंकने का सारा प्लान आपने बना लिया, क्योंकि बाकी सब मुद्दों पर आप फेल हो, कहीं आपके पास कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, और देश को आपने पूरी तरह से गड्ढे में डाल दिया। ऐसी स्थिति इस देश में आजादी के बाद कभी नहीं हुई जो आज हुई है। इसलिए इन्होंने जो बौद्धों को और क्रिश्चियन को भी रखा गया है वो इसलिए ताकि केवल जो मुस्लिम को, बाकी सारे के सारे साथ में नहीं आए, लेकिन वो समझ ले कि सारे उसमें हिंदू भी साथ में हैं, मुस्लिम भी साथ में हैं, ईसाई भी, सिख भी, सब लोग साथ में हैं, इनमें से कोई अलग नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये देश हमारा तरक्की करे और इस देश में हम जैसे गुलदस्ते में सारे फूल रहते हैं जैसे रहते आए हैं वैसे ही रहे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।